वेलकम बैक। मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। भारतीय रेलवे ने कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से कई ट्रेनें कैंसिल कर दी है। दरअसल बिलासपुर के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जैथरी चूल्हा रेलवे सेक्शन पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आपको बता दें, इसी को लेकर इंडियन रेलवे की तरफ से कई ट्रेन को कैंसिल करने की घोषणा की गई है। ये तमाम ट्रेन 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच चलने वाली थी। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं पर मानो संकट का माहौल छाया हुआ है। फिजिकल रैली में प्रतिबंध भी नेताओं के लिए संकट ही है, क्योंकि अगर फिजिकल रैली नहीं होगी तो वे अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे कर पाएंगे। इसी को लेकर ही चुनाव वाले 5 राज्यों यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। ये जायजा निर्वाचन आयोग की बैठक को सोमवार को होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्रत्यक्ष फिजिकल रैली पर प्रतिबंध जारी रखा जाए या नहीं। अब नहीं देखने को मिलेगा बिग बॉस 15, क्योंकि इसका फाइनल विनर अनाउंस हो चुका है, जिसका नाम है तेजस्वी प्रकाश। फाइनल में तेजस्वी और प्रतीक के बीच कड़ी टक्कर थी। शो में मौजूद सभी लोग प्रतीक को विनर मान रहे थे, यहाँ तक सोशल मीडिया पर भी प्रतीक के नाम की चर्चा की थी। लेकिन इस बार की ट्रॉफी तेजस्वी के नाम लिखी थी, इसलिए उन्होंने फाइनल के मुकाबले में प्रतीक को हराकर चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के बाद भड़की हिंसा के चलते राज्य में भाजपा के सभी कार्यालयों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टिकट के कई दावेदारों समेत भाजपा के कई नेताओं ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल में दूसरे दलों से आए नेताओं को समायोजित करने के लिए टिकट काटे जाने से भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित है। अब जान लेते हैं क्या है आज की कोविड अपडेट्स। भारत में 2.9 लाख नए केस सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की केस की रफ्तार तो धीमी हो रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं थम रहा। 24 घंटे में 959 लोगों ने अपना दम तोड़ा।